लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, आज नतीजे घोषित हो गए हैं 10वीं के और 12वीं के, और बच्चे भी ये बात कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी रिजल्ट हमारे सामने होगा, और काफी जल्दी यहाँ पर रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है, और जो बच्चे जिन्होंने टॉप किया है, जो बच्चे पास हुए हैं, उनको बधाई भी दी है, शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो आज यूपी बोर्ड के नतीजे घोषित हो गए हैं, और इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आया है, और उन्होंने ट्वीट करके बच्चों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल भी जिन बच्चों ने टॉप किया था उन बच्चों को बुलाकर सम्मानित किया गया था सीएम योगी की तरफ से, और इस बार अभी ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। क्या लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को बधाई, उनके अभिभावकों और गुरुजनों को भी हृदय से बधाई। आप सभी नए उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य के आधार स्तंभ हैं, मां सरस्वती की कृपा से आप सभी का भविष्य उज्ज्वल हो, यही कामना है। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट किया गया है, और उन्होंने बधाई दी है, और जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनको भी यहां पर बधाई दी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट परिणाम हमारे सामने है, और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि बधाई जिन्होंने दी है, शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को बधाई, उनके अभिभावकों और गुरुजनों को भी हृदय से बधाई, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। आप सभी नए उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य के आधार स्तंभ हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं, ये बात कही गई है जो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। फिलहाल आज रिजल्ट घोषित हो गया है, 10वीं और 12वीं का परिणाम हमारे सामने है, टॉप किए हुए बच्चों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं कि कितनी तैयारी की थी, कितनी कोशिश की, और क्या उनको उम्मीदें थी कि वो टॉप करेंगे। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे सहयोगी भी लगातार अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, और जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दें कि बेटियों ने, लड़कियों ने बाजी मारी है, उनका रिजल्ट ज्यादा अच्छा गया है, लड़कियों का रिजल्ट ज्यादा अच्छा गया है। सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने हाई स्कूल में टॉप किया है, इंटर में शुभ छापरा ने बाजी मारी है। तो यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट हमारे सामने हैं, आप ऑनलाइन भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हालांकि जैसा कि दिख रहा है बच्चों को अपना अपना रिजल्ट पता चल गया है, कितने परसेंट आए हैं, कितने नहीं आए, ये सारी डिटेल इंटरनेट से पता चल चुकी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं, कितने प्रतिशत यहां पर रिजल्ट गया है वो हम आपको बता रहे हैं। 10वीं में 86% लड़के पास हुए हैं, और 93% यहां पर 10वीं की अगर हम बात करें तो कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए वो हम आपको बता रहे हैं।